नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिसोदी आप सभी का हमारे YouTube चैनल MpLive पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो महज एक वीडियो नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा, एक सीख बनेगा। मध्य प्रदेश के सबसे यंगेस्ट पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, दोस्तों माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 29,000 फीट से भी ज़्यादा है, मधुसूदन पाटीदार जी, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। मध्य प्रदेश में तो बड़े बड़े पहाड़ हैं नहीं, यहाँ तो बर्फ़ कहीं गिरती नहीं है, वो माहौल उन्हें कैसे मिला, हम ये सारी बातें आपके लिए करेंगे। और पूछेंगे कि यदि कोई यंगस्टर किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का ख्वाब देखता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ MpLive पे मधुसूदन पाटीदार जी का। मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मधुसूदन जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश जहाँ पे कहीं भी बर्फ़ नहीं गिरती है, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल भी मैच नहीं करती है ऊंचे पहाड़ों से, आप कैसे यहाँ पे, आपका जन्म हुआ इंदौर में और आपने सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है? सर, माउंट एवरेस्ट का मैंने सोचा था जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं पहले रॉक क्लाइंबिंग करता था, फिर मैंने डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी इन पर देखा कि बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, फिर मुझे पता चला कि वो चढ़ते भी है लोग, फिर मुझे पता चला कि इनके इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैंने फिर कश्मीर में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के वहाँ से मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। फिर वहाँ पर मुझे पूरा टेक्निकली बताया गया कि आइस पे कैसे क्लाइम होता है, रॉक पे कैसे होता है, क्या टेक्निक्स होती है, एवलॉन चाहे तो कैसे बचना है, एक्लमेटाइजेशन कैसे करना है, रेस्क्यू कैसे करना है। फिर मैंने एडवांस कोर्स किया दार्जिलिंग से, वहाँ मुझे वो थोड़ी एडवांस इम्प्रोवाइज टेक्निक्स बताई गई। उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स क्लाइम किए, उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो माउंट एवरेस्ट क्लाइम जब आपने किया, उसके पहले क्या किया? उसके एकदम से तो आप माउंट एवरेस्ट चढ़े नहीं होंगे, पहले छोटे छोटे पहाड़ चढ़े होंगे, वो तैयारी कैसी थी, वो क्या था? सर, माउंट एवरेस्ट के पहले मैंने बेसिक कोर्स में माउंट थाजीवास ग्लेशियर किया था, फिर माउंट स्टॉक कांगरी किया था, फिर HMI में माउंट काबरूडोम किया था, फिर एवरेस्ट बेस कैम्प किया था, काला पत्थर किया था, इसके बाद फिर मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गया। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने में लगभग कितना खर्चा आता और वो आपने कैसे बियर किया? सर, माउंट एवरेस्ट में टोटल 30 लाख रुपये का खर्चा आता है, तो उस समय मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला था, तो मुझे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि मेरे आने के बाद वो मुझे सारा खर्चा मेरा एक्सपेंस करेगी, तो मैं पूरा मतलब हमारा हमने घर गिरवे रखा था उसके। गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जब शिवराज सरकार थी जी, शिवराज सिंह चौहान ने मुझे प्रॉमिस किया था रिटर्न में, तो फिर उन्होंने बोला था कि आप चढ़ के आओगे तो हम आपको पूरा पैसा दे देंगे, बाकी वो ऐसा भी हुआ नहीं, पर अभी नई सरकार आई है तो अभी उम्मीद है कि मेरा पैसा जल्द दिया जाएगा। तो कब आपने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, कौन सी डेट थी वो? वो थी 21 मई 2017। टैटू बनवाया आपने? दोस्तों, ये टैटू बनवाया है, आप देखिएगा, ये मधुसूदन जी ने 21 मई 2017 माउंट एवरेस्ट। तो जब आपने माउंट एवरेस्ट फतेह किया तो आपकी उम्र 20 साल थी, आपका परिवार कैसे राजी हुआ, क्योंकि वो तो रिस्क है, कई बार लोग वहाँ से वापस भी नहीं आते। सर, मम्मी को तो मैंने बताया नहीं था कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मम्मी को ही बोला था कि मैं नेपाल एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मम्मी को इतना समझ में भी नहीं आया था कि पापा और दीदी को पता था कि माउंट एवरेस्ट क्या है, उनको भी मतलब जो रियल चैलेंज वो नहीं दिखाया था ताकि वो परेशान हो, जाने नहीं दे, तो टोटल ये था कि सबको ऐसा लग रहा था कि ये जा रहा है किसी गेम में ऐसा जाएगा। मुझे एक चीज़ बताइए, आज तो इक्विपमेंट बहुत एडवांस आ गए हैं जो लोग भी पहाड़ों पे चढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ पुरानी 1953-54 में जब पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया गया, उसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है कि नहीं, जब तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने फतेह किया, तो उस वक्त कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके हिसाब से, जब आप चढ़े थे तो आपको ये एहसास था कि पुराना, जब जो भी व्यक्ति पहली बार चढ़ा होगा उसकी चुनौती कितनी बड़ी रही होगी? मतलब ऑफकोर्स उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि एवरेस्ट अराउंड 1930 से उसका अटेम्प्ट चालू हो रहा था और 1953-29 मई को फर्स्ट बार क्लाइम हुआ, तो उस समय इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, बूट्स नहीं आते थे, फेदर जैकेट्स नहीं आते थे, टेम्परेचर होता, जो पहली बार गए थे उनको मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि रूट क्या है, वो तो एक अंदाजे से गए थे कि हमको टॉप करना है, तो उन्होंने पूरा रूट सेट किया होगा, उन्होंने बनाया होगा, उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर भी भारी आते थे। फिर मैंने ये भी सुना है कि उस समय उन लोगों ने बेस कैम्प से लेके कैम्प 2 तक बात करने के लिए टेलीफोन वायर बिछाया था। कैम्प 2 बेस कैम्प से कितना दूर है? ये लगभग मतलब होगा नहीं तो भी 25 किलोमीटर के आसपास। 25 किलोमीटर उन्होंने वायर बिछाया था, टेलीफोन वायर जो लाइन होती ना बात करने की, क्योंकि उस समय वॉकी टॉकी वगैरह भी नहीं होती जी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कोई
यंगस्टर, कोई बच्चा यदि एवरेस्ट चढ़ना चाहता है तो उसको उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, उसको सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? सर माउंट एवरेस्ट हर कोई तो नहीं चढ़ सकता है, मतलब कुछ सिलेक्टेड लोग ही होते हैं जो एल्टीट्यूड एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वही प्रोसीजर है कि आपको रियली इस फील्ड में जाना है तो सबसे पहली बात आप कोर्स करो, पहला बेसिक कोर्स। कहाँ से होता है वो? ये कश्मीर से होता है, दार्जिलिंग से होता है, उत्तराकाशी से होता है और मनाली से, चार इंस्टीट्यूट है इंडिया में। फिर आप एडवांस कोर करिए, फिर उसके बाद आप छोटे माउंटेन्स पे जाइए 6,000 मीटर तक, 7,000 मीटर तक, वहाँ आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी एल्टीट्यूड एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। इतना सब करने के बाद अगर आपको लगे फिर उसमें मतलब खर्चा भी ज़्यादा है तो आप इतना रिस्क लेते हैं कि 30 लाख रुपये, वो एक प्रकार से बेट है ज़िंदगी की, ये आर या पार वाली कहानी है। तो मैं यंगस्टर को यही बोलूँगा कि पूरा फिटनेस, फिर मेंटली, फिर अपना एक्लिमेटाइजेशन पूरा होने के बाद ही आप एवरेस्ट ट्राई करें, क्योंकि एवरेस्ट बहुत डेंजरस है। जब आपने एवरेस्ट के बारे में सोचा था तो आपकी आपको वहाँ पे जाना पड़ा होगा ट्रेनिंग के लिए, एवरेस्ट को चढ़ने में भी 40-45 दिन लगते हैं, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी या आपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं, पढ़ाई तो मेरी डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि जब मैं एवरेस्ट गया था जब मेरी एग्ज़ाम थी, तो मेरा मैंने मतलब इंजीनियरिंग करी है तो मेरी इंजीनियरिंग 5 सालों में हुई है, एक ईयर मेरा एक एवरेस्ट पे हो गया था सेम बैक और एक किलिमंजारो पे। तो कॉलेज भी सपोर्टिव रहा शुरू से, तो उन लोगों ने हेल्प करी इस चीज़ में। तो अभी आपने करियर में क्या सोचा है? आप माउंटेनियरिंग करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, या आपने करियर में कुछ और ऑप्शन भी रखा है? सर अभी मेरा प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग का ही मन है, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है ग्रैंड स्लैम एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम, तो दुनिया में एक ही इंसान है जिसने 7 महाद्वीप के 7 ऊंचे पहाड़ और 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी और नॉर्थ पोल और साउथ पोल किया है। कौन है वो? वो बाहर का है, मतलब उसकी शायद डेथ भी हो गई अभी तक। अच्छा, तो अभी एशिया से इंडिया से ये अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो मेरा वो अभी नेक्स्ट टारगेट है। तो इसके लिए मैं अभी रशिया जा रहा हूँ कल। कल रशिया में क्या करने जा रहे हैं? सर रशिया में मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा हूँ जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, और यहाँ पे मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करूँगा। अभी तक कोई भी उस पहाड़ के टॉप पे 1 घंटे भी स्टे नहीं किया किसी ने, और मैं वहाँ 24 घंटे पूरी नाइट स्टे करके आऊँगा। आप अकेले जा रहे हैं? हाँ, मैं अकेला जा रहा हूँ। कोई पोर्टर नहीं, कोई टीम नहीं, कोई डॉक्टर नहीं? कोई नहीं, सोलो एकदम। तो माउंट एवरेस्ट जो आप चढ़ रहे हैं इसमें आपके पास स्पॉन्सर हैं या आप कैसे कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं? इसको मैंने क्राउड फंडिंग किया है, फिर कुछ छोटे स्पॉन्सर है इंदौर से लोकल, बाकी अभी स्टिल लुक रहा हूँ, और यहाँ पे मतलब खेल विभाग भी मुझे कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपका कितना खर्चा होगा? इसमें लगभग 2,60,000 का खर्चा है। 2,60,000 का खर्चा है पूरे प्रोजेक्ट में। अच्छा, एवरेस्ट तो आप जा ही रहे हैं, एवरेस्ट आप पहले जा ही चुके हैं, किलीमंजारो भी आपने बोला शायद अफ्रीका महाद्वीप की ऊँची चोटी है, इसके अलावा और क्या क्या आपने अभी तक क्या क्या उपलब्धि और है? मैंने बेंगलोर से गोवा साइकिलिंग की है, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है 850 किलोमीटर 52 घंटे में। फिर मैंने रेस्क्यू किया है फ्लड्स में उत्तराखंड में। फिर माउंट के कोरांग 1, कोरांग 2, कोरांग 3 क्लाइम किया है, बाकी अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ग्रैंड स्लैम के अलावा और कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? हमने तो एक ही ग्रैंड स्लैम सुना है टेनिस वाला, आज आपसे पहली बार जानने को मिला है कि इसमें भी ग्रैंड स्लैम। मेरा 14,800 मीटर के माउंटेन्स है, मतलब जो वर्ल्ड के 14 हाईएस्ट माउंटेन है, 14 हाईएस्ट, जो उनको मतलब 14,800 करके एक पूरा वो होता है प्रोजेक्ट होता है। इसमें से एक इंडिया में, बाकी नेपाल, पाकिस्तान और चाइना में, मतलब सारे हिमालयंस में ही है, तो वो भी एक मेरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद पाकिस्तान में K2 है, कई लोग बोलते हैं K2 एवरेस्ट से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपने ट्राई किया? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मेरा सपना है, बाकी K2 मतलब किलर माउंटेन है, मतलब वहाँ का फेटेलिटी रेट 50% है। 50% यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति मर जाता है? ऐसा बोलते हैं कि 10 लोग जाते हैं तो 3 चढ़ते हैं, 4 मरते हैं और बाकी उतर जाते हैं। वो आपका है, वो भी आपके विश लिस्ट में है, मतलब 14,800 में एक K2 भी। अच्छा, आपने बोला आप नॉर्थ पोल जाना चाहते हैं, साउथ पोल जाना चाहते हैं, ये सब भी करना चाहते हैं, हाईएस्ट वॉल्केनो भी करना चाहते हैं, तो इतने सारे प्रोजेक्ट आपके हैं और आपकी कैपेसिटी, आपने एवरेस्ट चढ़ाया तो आप कर तो सकते ही हैं, तो इतनी बड़ी फंडिंग आप कैसे अरेंज करेंगे? अभी मैं क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ, फिर बहुत सारे स्पॉन्सर से बात करी है छोटे छोटे, फिर MP गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने अब लगी है, तो शायद ये कर दे। अच्छा, एक प्रश्न दर्शकों से था, ये मेरा नहीं है, लोग ये कहते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ लोग चढ़ गए हैं तो कैलाश मानसरोवर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, उसकी तो हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो माइथोलॉजिकल रीज़न है, टेक्निकल रीज़न है, क्या है? मतलब कैलाश मानसरोवर को मतलब तिब्बत के लोग होली पिक मानते हैं,
जैसे कि इंडिया में कंचनजंगा को होली पिक मंथ, तो उसकी परमिशन नहीं है। इंडिया में भी कैलाश मानसरोवर की आराधना होती है, अपने आप ही एक पवित्र पहाड़ माना जाता है वो ट्रेक होता है। मतलब कैलाश मानसरोवर आदमी जा सकता है, पर जो माउंट कैलाश है उस पर परमिशन नहीं। कैलाश मानसरोवर तो हर कोई जा सकता है, जी जी, पर जो माउंट कैलाश है उसकी परमिशन अब ख़त्म हो गई। जैसे कंचनजंगा को इंडिया से क्लाइम नहीं करते, पर नेपाल से भी करते हैं, तो जो उसका टॉप पे नहीं आते उससे 10 मीटर नीचे समिट होता है, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट के लिए इतना टॉप जाते ही नहीं। अच्छा, तो उसको 10 मिनट नीचे ही उसका समिट कहलाता है। तो कैलाश पे परमिशन नहीं, इसलिए नहीं चढ़ पाते हैं। हाँ, तो जो स्टोरीज आती हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे चढ़ते हैं तो कुछ अजीब सी अनुभूति होती है, कोई ताकत है जो रोकती है, तो ये सब आप नहीं मानते इन बात को? मुझे नहीं लगता ऐसा। मतलब आपको परमिशन मिलेगी आप चढ़ेंगे? हाँ, मैं चढ़ूँगा, टेक्निकल साउंड नहीं करता, मतलब इजी पीक है। इजी पीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है मधुसूदन जी कि जब भी हम ऊँचे ऊँचे पहाड़ चढ़ने की बात करते हैं तो ये मेंटल स्ट्रेंथ है या फिजिकल स्ट्रेंथ है, दोनों का कितना रोल है इसमें? मतलब 40% फिजिकल है, 50% मेंटल है, और 10% लक है। अगर लक नहीं है, अगर आप कितने भी फिट हो, मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो, आप टॉप से 100 मीटर नीचे और वेदर खराब हो गया, वाइट आउट हो गया, तो आपको नीचे क्योंकि आपकी किस्मत खराब थी। अभी आपने बोला था कि आप एल्ब्रस पे अकेले रहेंगे, तो ये टेम्परामेंट, अकेले रहना वहाँ पे, भगवान ना करे वहाँ पे भी घटना हो जाए तो कोई साथी नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई आपको सहारा देने वाला नहीं, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती कि एक पहाड़ पे आप ऊपर अकेला एक कैंप लगा के छोटे से कैंप में अकेले पड़े हुए हैं और वहाँ पे आप 24 घंटे बिताएंगे? एक्चुअली मैं जब अकेला रहता हूँ मैं जगजीत सिंह सुनता हूँ। अच्छा। तो मैं कान में मेरे गज़लें चलती है जब भी, मतलब मैं, मुझे लगता है कि हाँ मरने वाला हूँ, या मैं थक गया हूँ अब मेरे से नहीं होता, या फिर डर लगता है, तो मैं गज़लें की वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। मैं हमेशा सुनते रहता हूँ क्लाइम करते वक्त, तो क्या उससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि आपको पता है कि ये मौत है। जैसे मैं गया था एवरेस्ट पर, तो मेरा दोस्त मेरी आँख के सामने मर गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं तो 20 साल का था, मैं सबसे छोटा था पूरे एवरेस्ट बेस कैंप पे, मुझसे छोटा कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने जब उसको देखा मरते हो तो मैं पूरा डर गया कि अब ये मेरे सामने मर गया है, दो वापस नीचे चले गए, हम तीन लोग बचे हैं और अभी ऊपर जाना है। तो फिर मैं एक जगह बैठा, मैंने गाने की वॉल्यूम और बढ़ाई और फिर माइंड डाइवर्ट करा और गया। एक कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपको लग गया हो कि अब तो मैं नहीं बचूँगा। जब मैं एवरेस्ट चढ़ के उतर रहा था, क्योंकि उतरना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। चढ़ते जनरली लोग सुबह के टाइम ही हैं? नहीं, रात में चढ़ते हैं। अच्छा, रात में चढ़ते हैं। मतलब एवरेस्ट रात में ही क्लाइम होता है। अच्छा, दिन में वहाँ चढ़ ही नहीं सकते। तो जब मैं उतर रहा था तो जैसे डिसेंट करके हमको कैंप 2 आना था, तो हमारे पास उतरते वक्त सिर्फ 4-5 घंटों इतनी ऑक्सीजन बचती है। तो हमारे साथ में एक लड़की थी इंग्लैंड से, मौली, तो वो गिर गई थी, तो उसके कारण हमको कैंप 3 में फिर और रुकना पड़ा। तो रात में मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, तो मतलब वो डेड जोन है पूरा 8,300 मीटर। तो मैं पूरा, मतलब हमको ऐसा लगता था कि हमने एक सिलेंडर उसको दे दिया बचाने के लिए, स्लीपिंग बैग उसको दे दिया, और हम तीन लोग हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहे हैं। तो मुझे रात में कभी ऐसा लगा था कि उनके इसको बचाने के चक्कर में मैं मर जाऊँगा। तो मैं मेरे शेरपा को बोलता था कि फुनुरु दाई मुझे ऑक्सीजन दो, पानी दो। तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने भी उठा, बोला कि कुछ नहीं है, सो जा या फिर चले जा। तो वही फिर हुआ, 4 बजे फिर मैंने जूते क्रैम्पॉन वगैरह लगाया और मैं अकेला ही निकल गया। फिर मेरा एक ही टारगेट था कि सुबह 7-8 बजे तक मैं 8,000 मीटर से नीचे चले जाऊँ, जहाँ मेरे को ऑक्सीजन तो मिले कम से कम। फिर उस दिन मुझे रात में लगा था कि आज मैं मर जाऊँगा। वहाँ टॉप पे ऑक्सीजन परसेंटेज क्या रहता है? अराउंड 12%। सिर्फ 12 मारो इतनी हवा थी। 12%, मतलब अभी यदि हम 100% में मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो इसमें से 12% ही बचेगा एवरेस्ट के टॉप पे। मतलब वो लगभग नहीं के बराबर है। तो लोग बिना ऑक्सीजन के कैसे चढ़ गए हैं? कुछ लोग वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब वो उन्होंने लगभग 4-5 बार ऑलरेडी एवरेस्ट क्लाइम कर चुका फिर विदाउट ऑक्सीजन अटेम्प्ट लेते हैं, उसके भी कोई गारंटी नहीं। मतलब विदाउट ऑक्सीजन समिट रेशो है, मतलब 5% सक्सेस रेट है कि आप चढ़ोगे। अब आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत फॉलो करते हैं हमारा चैनल भी और हमारा पोर्टल भी, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि एक आम यंगस्टर, जो एक आम लड़के हैं आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी फिटनेस कैसे रखें? माउंट एवरेस्ट तो बहुत ही कम लोग चढ़ते हैं, डे टू डे फिटनेस अपनी कैसे रखें, अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए उनको, जिससे कि वो भी हेल्दी रहें और समाज में कंट्रीब्यूट करें? हर किसी को अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर देना चाहिए। अगर आप 1 घंटा आपके शरीर को देते हो तो आप सारी ज़िंदगी फिट ही रहोगे। वो 1 घंटे में क्या करें? रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वॉक करो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, 1 घंटा आप दीजिए, आप कभी अनफिट रहोगे नहीं। योगा करना चाहिए? यंगस्टर्स को जिम का बहुत क्रेज है, योगा नहीं करते वो? बॉडी के लिए जिम करते हैं, पर मैं मस्कुलर बॉडी में विश्वास नहीं रखता हूँ।
क्योंकि मस्कुलर बॉडी आप जिम करने से बना तो लोगे, पर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आप लुक अच्छा दिख रहे हो। बाकी आप जिससे जैसे एज होगी आपकी, तो फिर वो आपको थोड़ा नुकसान ही करेगी, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ के कारण आपकी हड्डियाँ फिर बोल जाती है। तो आपकी जो नेचुरल बॉडी है आप उसी का ख्याल रखिए बस, तो आप फिट ही रहोगे हमेशा। और डाइट कैसी होनी चाहिए? आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, किस तरीके की डाइट होनी चाहिए? सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं मतलब मेरी डाइट तो लगभग नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग रहती है। जैसे मैं अंडे खाता हूँ रोज़, 10-15 अंडे, फिर एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हाँ 1-2 लीटर दूध पीता हूँ, बनाना शेक वगैरह, फिर प्रोटीन्स बार्स वगैरह लेता हूँ, तो मैं अधिकतर प्रोटीन ही टेक करता हूँ। अच्छा, मुझे बस आखिरी में आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट में अभी ओवरऑल फंडिंग की ज़रूरत कितनी है और आप तक वो कैसे पहुँच सकते हैं? मुझे तो टोटल फंडिंग की ज़रूरत है 3 करोड़ रुपए, और अभी मेरे पास कुछ नहीं तो आपके थ्रू मेरे पास पहुंच सकते हैं, मतलब जैसे भी, मेरा इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ये थे मधुसूदन पाटीदार जी, आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हमने हर पहलू पे उनसे बात करी। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में टैलेंट है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहते हैं, एवरेस्ट चढ़ना भी छोटी बात नहीं होती है, 20 साल की उम्र में एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ने इनको कुछ फंडिंग कमिट करी थी, बट वो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, शिवराज जी के टाइम पर वो फंडिंग इनको कमिट हुई थी, सरकार चेंज हुई, नई सरकार आई, तो उसमें कुछ प्रोसेस में लिंगर ऑन हो रहा है, और क्राउड फंडिंग भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, सरकार की अपनी एक सीमा है। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मधुसूदन जी तक पहुंचने का पूरा डिटेल दे देंगे, आप हमारे थ्रू भी इन तक पहुंच सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए एमपी लाइफ, कैमरा पर्सन आयुष मिश्रा के साथ, मैं अजय सिसोदिया भोपाल से।